हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, ऐसा है कि आज ये मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ अपने मोटो एक्शन कैमरा से। तो थोड़ा सा एक चंडीगढ़ का राउंड लेके आते हैं और मेरे को बताइएगा कि कैसा रहा, मतलब वीडियो कैसी बनी। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी और जिसमें कि मैंने माइक भी लगा रखा है और फिट्स पार्क का ही माइक लगा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और अभी देखिए धूप निकल गई। कुदरत का भी मतलब क्या ही कहना है ना, मतलब कभी बारिश, कभी धूप, कभी छांव, कभी कुछ, कभी कुछ। तो आप समझ नहीं सकते हो कि कब क्या हो जाए। अभी इतनी ज़्यादा बारिश, मतलब बारिश जैसा मौसम हो गया था, बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी और अभी देखो क्या, मतलब एकदम से धूप ही निकल आई। चलो हमें को निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों, मतलब मुझे नहीं पता वीडियो अभी बन कैसे रही है क्योंकि मैंने मोबाइल को जेब में डाल लिया है, ये वाईफाई से कनेक्ट है और मतलब इसको बाइक में लगाना पड़ता है ताकि आपको वीडियो दिखती रहे कैसी बन रही है। बट मेरे पास अभी बाइक पे माउंट करने के लिए, मोबाइल माउंट करने के लिए कोई माउंट नहीं है। दैट्स वाई मैंने पॉकेट में रखा हुआ है और मैं जस्ट ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही अच्छी बन रही है नहीं बन रही, क्योंकि मैं अभी थोड़ी आगे जाने के बाद ही इसको चेक करूँगा। तो गाइज, इस कैमरा को लेने का प्लान ऐसे बना कि मुझे लेना था DSLR और ब्लॉगिंग के लिए। तो मैंने सोचा यार कोई ऐसा कैमरा लिया जाए जिससे मोटो ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग दोनों ही हो जाएं। बट पहले SD कैम लेने का प्लान था, फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड ने GoPro 10 लिया है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 50,000 नियर अबाउट है। तो मैंने कहा इतना तो बजट है नहीं, हम 20-25,000 में ही अगर मुझे सारी चीज़ें मिल जाएं तो मेरा ब्लॉगिंग का भी हो जाए और मोटो ब्लॉगिंग भी हो जाए। तो उसके लिए मैंने ये मतलब बहुत रिसर्च की, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, जैसे आप अभी हमारी वीडियो देख रहे हो, और यूट्यूब पे वीडियो देखी, नेट पे सर्च किया बेस्ट कौन सा है, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो मुझे जो एज ए कंपेयर करने के बाद जो चीज़ें मेरे सामने आई, तो मेरे को ये जो अपना फिट्स पार्क का i9+ कैमरा है ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला जो चीज़ था इस कैमरे का जो मेरे को अट्रैक्ट कर रही थी, दैट इज़ इसमें ड्यूल स्क्रीन है। तो उसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग भी कर पाऊँगा और अगर मुझे मोटो ब्लॉगिंग करनी है तो मैं मोटो ब्लॉगिंग भी कर पाऊँगा। मुझे मतलब कि स्टार्टिंग में ही ड्यूल कैमरा लेने की ज़रूरत, मतलब दो कैमरे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे सिंगल कैमरे से दो काम हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ये लिया। ठीक है, और जब आप लोगों की दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से थोड़ा पैसा वैसा हो जाएगा, देन देखेंगे, फिर इस GoPro को भी अपग्रेड करेंगे और अलग से भी एक ब्लॉगिंग कैमरा भी लेंगे। फिर तो देखो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे चीज़ें लेते जाते हैं। अभी देखो पल्सर पे मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, 180 पल्सर। ठीक है, आने वाले टाइम में क्या पता ये कौन सी बाइक चेंज हो जाए। बट जो ड्रीम बाइक है दैट इज़ सुजुकी हायाबुसा, बट वो कब मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी इसका कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, जैसे सभी के ड्रीम्स होते हैं वैसे ही मेरा भी एक हायाबुसा लेने का ड्रीम है। तो वो ड्रीम है या कभी सच होगा नहीं पता, पर देखो ड्रीम होनी चाहिए, जब ड्रीम होंगे तभी आप उस चीज़ पे काम कर पाओगे। अदरवाइज जब आपने कोई ड्रीम ही नहीं देखा तो आप फिर काम किसके लिए करोगे और क्यों करोगे। तो इसलिए ड्रीम देखना ज़रूरी है। लोग कहते हैं सपने नहीं देखने चाहिए, बट मैं कहता हूँ सपने देखने चाहिए, सपने देखोगे तभी उसको पूरा करोगे। तो बात कुछ ऐसी है, घर जैसी है कि इस वीडियो में आपको मतलब क्या कुछ अच्छा लगा, कैसा लगा वो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा जो हमने बनाई है। अभी मैं इसको 1080 पे 60 FPS पे बना रहा हूँ और जो ECSI क्या है वो जो जायरो का है वो मैंने ऑन किया हुआ है। मेरे को यार एग्जैक्ट नाम भी नहीं पता, बताओ कितनी शर्म वाली बात है ना। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगी हुई है
ये फ्लाईओवर बन रहा है तो इसलिए थोड़ा सा जाम वगैरह रहता है। पहले तो मैं सोचता था यार मोबाइल से ही हम मोटो ब्लॉगिंग करेंगे, लेकिन मुझे लगता है मोबाइल से मोटो ब्लॉगिंग करना मतलब उतना ज़्यादा मतलब नहीं हो पाता, उतना बहुत बढ़िया नहीं हो पाता है, क्योंकि मोबाइल से जो वीडियो आप बनाते हो तो मतलब एक तो मोबाइल का जो वेट होता है वो इस कैमरे से ज़्यादा होता है, और फिर आपको मोबाइल कैरी करना, आपकी अगर बीच में कॉल आ जाती है देन मतलब वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए मैंने मोबाइल से नहीं किया और थोड़ा अनप्रोफेशनल सा भी लगता है। बट यस, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग, सिर्फ शुरुआत के टाइम पे और आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते देन आप मोबाइल से शुरुआत कर सकते हो। मैं मोटो ब्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग कमेंट में करेंगे भाई तूने भी तो जो ब्लॉगिंग है या वीडियो बनाता है मोबाइल से बनाता है। बिल्कुल बनाता हूँ भाई, आज भी बनाता हूँ, आगे भी मोबाइल से ही बनाता रहूँगा, क्योंकि मोबाइल कैरी करना इजी होता है। बट यस, मैं बात कर रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग की। अगर मोटो ब्लॉगिंग में आप मोबाइल का यूज़ करते हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि बीच में कॉल आ जाती है, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो, मोबाइल लगा हुआ है और बीच में कॉल आ जाती है, अर्जेंट कॉल है या क्या है आपको पता नहीं चलता है, आपको रोक के करना पड़ता है। और सेकंड थिंग कि मतलब कि उसको गिरने का जो थोड़ा सा चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें जो केस होता है वो थोड़ा हार्ड तरीके से माउंट हुआ होता है, और उसमें थोड़ा मोबाइल का जो माउंट होता है वो थोड़ा ऐसा लगता है कि कहीं गिर ना जाए, तो थोड़ा डर बना ही रहता है उस चीज़ में ना। तो देखते हैं हमारी वीडियो कैसी बन रही है। बन भी रही है या नहीं बन रही? अरे यार कनेक्ट ही नहीं है, तो नहीं बन रही है, बिल्कुल बन रही है। और ये देखिए क्या मतलब, अच्छा ये इसमें देख रहा हूँ मैं, तो इसको हम फिर से कर देते हैं ऐसे बंद, और हमारी वीडियो बन चुकी है 9:43 की। तो अभी ये रेड लाइट है और ये चंडी मंदिर की लाइटें हैं। लेफ्ट साइड पे ये माता का मंदिर है, श्री सिद्धपीठ श्री माता बंगलामुखी मंदिर, जय माता दी, कांगर घाट, बड़ी शेर, मोरनी हिल्स। तो माता जी जल्दी बुलाएंगे और हम जल्दी ही एक ब्लॉग करके आएंगे माता जी के, यहाँ का भी एक ब्लॉग डालेंगे बंगलामुखी माता का। तो वीडियो तो गाइस आज की वीडियो कुछ लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं खुद लंबी ही बनाना चाहूँगा। और ये राइट साइड में मेरे चंडी माता मंदिर है, जिनके नाम से चंडीगढ़ का नाम पड़ा है। तो अभी मैं पिंजौर की तरफ से चंडीगढ़ जा रहा हूँ। जिन दिनों में जो वो थे ना, क्या कहते सॉरी किसान लोग बैठे हुए थे और ये टोल वगैरह बिल्कुल बंद थे, तो यार इनकी गुंडागर्दी बहुत होती है। मतलब मैंने देखा है ये लोग थोड़ा सा ना मतलब गलत बिहेव करते हैं, और मतलब जिन दिनों में वो बैठे हुए थे किसान वगैरह, तो आई सपोर्ट किसान, जय जवान जय किसान, तो अच्छा कर रहे थे यार वो। मतलब इनको थोड़ी सी अकल आई थी उन दिनों में कि हाँ भाई कैसे क्या लोगों के साथ मतलब ये जो जातकी करते हैं, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा जातकी करते हैं, तो उन दिनों में इनको अकल आ गई होगी। बट ये कहाँ सुधरने वाले हैं। और ये हम हाइपर राइडिंग कर रहे हैं 105 110, बस इसे अदन जाएंगे क्योंकि पल्सर है और मैंने कुछ ऐसा कुछ कहना नहीं हुआ जिससे मैं ज़्यादा हाइपर राइडिंग करूं, और क्योंकि मतलब रिस्क रहता है, आप जितने अच्छे राइडर हो रिस्क तो रहता ही है, और सेफ राइडिंग करनी चाहिए। और हाइपर राइडिंग आप तभी करो जब आपने ठीक ठाक गियर पहने हो, एकदम बढ़िया सा सब कुछ। मैंने तो अभी देखो ग्लव्स तक नहीं पहने हुए, तो अभी पहने क्या मैंने लिए ही नहीं है, मैं सही बताऊँ अगर तो वो मुझे लेने भी हैं, क्योंकि अभी क्या है कि अभी हम अब मोटो ब्लॉगिंग करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान हमारा मतलब ब्लॉगिंग करने में भी रहेगा, और तो इसलिए डाइवर्ट रहेगा ध्यान, तो इट कैन बी हार्मफुल देन, तो वो लेना पड़ेगा मुझे, देख लेंगे यार। कुछ मेरे को कमेंट्स करके बताना ना कि मतलब बजट में, आप लोगों को पता ही है मतलब बजट में ही सामान लेता हूँ मैं, तो अगर बजट में चीज़ें मिल जाएं तो ठीक है, मुझे नहीं पता यार आपको मज़ा आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, और आज के ब्लॉग का आपको सेकंड पार्ट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।